यूपी से बिहार आकर अपने पढ़ाने के अंदाज से एक युवा अचानक से छा जाता है और उनके पढ़ाने के तरीके के सब दीवाने हो जाते हैं। नमस्कार, मैं साक्षी गिरी और आप देख रहे हैं कमाल जिंदगी। यूट्यूब पर उनके वीडियोस लाखों लोग देखते हैं और उनके सिंपल और देसी अंदाज के लिए उन्हें काफी पसंद करते हैं। मैं बात कर रही हूँ पटना के खान सर की। खान सर कौन है, ये सवाल आज भी कई लोगों के जहन में आता है और कई उनकी कहानी भी जानना चाहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में खान सर की बात करते हैं। खान सर यूपी के देवरिया में एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जहां उनके पिता की कोई स्टेबल नौकरी नहीं थी। वो अलग अलग जगहों पर काम करते थे, जैसे शिप मेकिंग और पाइपलाइन में। उनकी कोई स्टेबल नौकरी नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। हालात इतने खराब थे कि पढ़ाई काफी नॉर्मल स्कूल में हुई और पढ़ाई के सामान जैसे नोटबुक्स और पेन का इंतजाम भी इधर उधर से करते थे। दरअसल उनके घर के सामने एक कॉलेज था। वो कॉलेज की छुट्टी के बाद वहां जाया करते थे। जो एक या दो पेज साफ होते थे उसे फाड़ कर ले आते थे और अपनी मम्मी को देकर सारे पन्नों को एक साथ तिलवा कर अपनी नोटबुक बनाया करते थे। वो बच्चों की छूटी हुई पेंसिल और पेन भी ले आते थे। वो आर्मी में जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 8th क्लास में सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया, पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने NDA का एग्जाम भी दिया। एग्जाम तो क्लियर हो गया लेकिन मेडिकल राउंड में उन्हें निकाल दिया गया। इसका कारण उनके हाथ थे। दरअसल उनके हाथ टेढ़े हैं, जिसके बाद उनके एक दोस्त ने उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की सलाह दी और उन्हें एक बच्चे के पास लेके चले गए जिसे होम ट्यूशन की जरूरत थी। खान सर ने उसे पढ़ाया और वो क्लास में पहले या दूसरे नंबर पर आने लगा और यही था उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, जिसके बाद उन्होंने एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। पहले दिन उस क्लास में 6 बच्चे थे और कुछ ही दिनों में बहुत सारे बच्चे उनके पास पढ़ने आ गए, जिसके बाद कोचिंग के मालिक को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, जिसके बाद उन्होंने खान सर को अपना नाम किसी को भी बताने से मना कर दिया और उनके नाम के सरनेम से उन्हें खान सर का नाम दे दिया। और यही वजह है कि आज पूरा भारत उन्हें खान सर के नाम से जानता है, पर उनका असली नाम फैजल खान है। लेकिन फिर उनकी और कोचिंग के मालिक की लड़ाई हो गई। दरअसल खान सर को बच्चे का करियर दिखता था, इसीलिए वो बहुत ही कम रुपए में बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन कोचिंग के मालिक को पैसे दिखते थे, जिसकी वजह से उन्हें कोचिंग छोड़ना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने एक या दो जगह और पढ़ाया और फिर खुद का एक कोचिंग सेंटर खोला जिसका नाम खान GS रिसर्च सेंटर है। पटना में वो किसी को नहीं जानते थे, वहाँ के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने 2-3 लोगों से मदद ली, पर उनका प्लान तो कुछ और ही था। 6 महीने बाद उन्होंने खान सर से सब कुछ छीन लिया। खान सर का ये हाल कर दिया था कि उनके पास बस 40 रुपए बचे थे, घर लौटने तक के पैसे नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और इसे पॉजिटिवली लेकर ये सोचा कि मेरे पास घर जाने तक के पैसे नहीं है, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला हमें यही रोकना चाहता है, जिसके बाद उन्होंने एक नई शुरुआत करने का सोचा। और इस इंसिडेंट से उन्हें ये सीख मिली कि हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने इधर उधर से पैसे जुगाड़े और एक बार फिर शुरुआत की, क्योंकि उन्हें बिजनेस नहीं करना था, उन्हें बच्चों का भविष्य बनाना था, इसीलिए वो गरीब और विकलांग बच्चों से पैसे नहीं लेते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। इस बीच उनके कोचिंग पर किसी ने बॉम्ब फेंक दिया, जिसकी वजह से एक बार फिर वो एक ऐसे कंडीशन पर आ गए थे जहां उनके पास कुछ नहीं बचा था। लेकिन इस समय में उनके बच्चों ने उनका साथ दिया और कहा कि आप पढ़ाइए, हम आपसे ही पढ़ना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो। और जिस दिन कोचिंग पर बॉम्ब फेंके गए थे, उसी दिन के शाम वाले बैच में बहुत सारे बच्चे उन्हें सपोर्ट और उनसे पढ़ने आए थे और अगले बैच के बच्चे नीचे खड़े थे और कोचिंग की रक्षा कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी भी बनाई और देखते ही देखते उनका कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी पटना का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर बन गया। उनको सक्सेस मिल चुकी थी, पर उनकी लाइफ इतनी आसान कहाँ थी। इस बार कोविड उनके सामने बाधा बन के आई, जिसके बाद ऑनलाइन पढ़ाना उनके लिए एक चुनौती थी। फोन अच्छे से चलाना नहीं आता था तो ऑनलाइन पढ़ाना उनके लिए काफी मुश्किल था, पर इसमें उनके साथ उनकी एक दोस्त ने उनका साथ दिया। उनकी एक छोटी सी फोटोकॉपी की शॉप थी जिसका शटर गिरा कर उस पर लकड़ी की प्लाई लगा कर उन्होंने बच्चों को एक बार फिर पढ़ाना शुरू किया, जिसके बाद तो आज उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जहां वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और आज वो पटना के खान सर नहीं बल्कि पूरे भारत के खान सर हैं। खान सर की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, उसका सामना कीजिए, लाइफ की ये जंग आप जरूर जीतेंगे। तो ये थी खान सर की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद
आनंददायी होगी। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।